जब चर्च में आते हैं तो कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पहली बार आते हैं, कुछ लोग बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में चर्च को लेके, कलीसिया को लेके, सत्संग को लेके उनके अलग अलग धारणाएं होती हैं कि चर्च में ऐसा होता है, चर्च में ऐसा होता है. अच्छा, चर्च में ऐसा भी होता है, मुझे नहीं मालूम था. चर्च में ये क्यों नहीं होता, होना चाहिए चर्च में. तो हम सब के अंदर क्या है, चर्च को लेके, कलीसिया को लेके, सत्संग को लेके हमारे अंदर कुछ धारणाएं हैं. और आज मैं उनमें से कुछ बातों को मैं आपको वचन में से सिखाना चाहता हूं कि चर्च में होता क्या है और चर्च में हमारे चर्च के साथ हमारा क्या रिश्ता है, कलीसिया के साथ, सत्संग के साथ, जहां पे हम जुड़े हुए हैं, इसके साथ हमारा क्या संबंध है और कलीसिया में हमारे जो संबंध हैं उसको लेकर के और हमारी जिम्मेदारियों को लेकर के मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. आज हम केवल जो हमारे कलीसिया में हमारे संबंध हैं, लोगों के साथ हमारे जो संबंध हैं, उसको लेकर के मैं आपको आज वचन में से कुछ सिखाना चाहता हूँ. जब मैं कैथलिक चर्च में जाता था, मेरी परवरिश रोमन कैथलिक चर्च में हुई, तो जब मैं कैथलिक चर्च में जाता था तो कैथलिक चर्च में मुझे कलीसिया को लेकर के जो मैं सोचता था वो बहुत अजीब था, बहुत अटपटा था. मेरी पूरी परवरिश चर्च में हुई है, लेकिन चर्च को लेकर की मेरी कुछ धारणाएं वो ठीक नहीं थी, या वो कुछ अलग थी जिनका होना ना होना एक बराबर है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि हमारे कैथलिक चर्च में जहां पे मैं जाता था, वहां पे जो क्रूस था, क्रूस के नीचे थोड़ा साइड में एक संदूक हुआ करता था जो दीवार के अंदर बना हुआ होता था. वो आज भी दुनिया के सब कैथलिक चर्च में वो संदूक होता है. उस संदूक में वो प्रभु भोज रखते हैं और दाखरस रखते हैं, और उसके द्वारा उनका खास तौर पर प्रभु भोज का वो जो ब्रेड होता है वो उसके अंदर होता है, और विश्वास किया जाता है कि उसके अंदर यीशु मसीह रहता है. सो मुझे लगता था कि अच्छा, जब मैं चर्च में जाता हूं तो मेरी धारणा ये थी कि अगर मैं चर्च में चला गया, कैथलिक चर्च में अगर मैं जाता हूं तो मैं जोर से बात नहीं कर सकता, चिल्ला के बात नहीं कर सकता. अगर आज भी आप कैथलिक चर्च में जाएंगे तो अगर आप चर्च के बाहर हैं आप आराम से बात करें, आप चर्च के अंदर आ गए तो आप जोर से किसी के साथ बात नहीं कर सकते. क्यों? उनकी विश्वास है कि उसके अंदर कौन रहता है, यीशु मसीह रहता है. तो मेरे लिए ये था कि अच्छा, चर्च क्या है? चर्च प्रभु का घर है जिसमें सचमुच यीशु मसीह उस संदूक के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है, वहां पे वो रहता है. इसलिए वो बहुत अति पवित्र स्थान है, और बाहर कुछ भी करो, अंदर लेकिन गड़बड़ नहीं करनी, अंदर तो प्रभु है. इस प्रकार मेरी सोच थी, या मेरी सोच थी कि ये वो जगह है जहां पे हम आते हैं हफ्ते में एक बार, या इनफैक्ट हम तो सुबह सुबह हर रोज सुबह 6 बजे हम चर्च जाया करते थे. और ये था कि अच्छा, इस स्थान पर हम सुबह सुबह एक तरह से प्रभु को गुड मॉर्निंग बोलने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, और लेकिन आपस में और कोई हमारा चर्च से कोई लेन देन नहीं था. मुझे ऐसे लगता था कि चर्च के जो मालिक होते हैं, वो जो चर्च के फादर सिस्टर हैं, वो होते हैं मालिक, और उनसे पूछे बिना हम चर्च में कुछ नहीं कर सकते, और हमें बस बहुत डर के रहना है, और हमारा यही काम है, आओ प्रभु को मिलो और वापस चले जाओ. क्योंकि वहाँ पे क्रूस में यीशु की मूर्ति रहती है, तो यीशु की मूर्ति को देखो, मतलब यीशु को देख लिया, और वो संदूक है उसमें भी यीशु है, उसका दर्शन कर लो और चले जाओ. तो ये मेरी धारणा थी. उस प्रकार मैं जानता हूं कि हम में से सब लोगों के अंदर चर्च को लेके, कलीसिया को लेके, सत्संग को लेके कुछ धारणाएं हैं, और उनका सही होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. जब मैं चर्च में आया, मैं विश्वास में कैसे आया, मैंने यीशु मसीह को किस प्रकार जाना, मैंने चर्च में प्रभु को नहीं जाना, मैंने किसी के घर में प्रभु को जाना. मैं वहीं पे जाता था, चर्च नहीं में आता था, लेकिन बाइबल स्टडी में, जहाँ पे बाइबल पढ़ाते थे पास्टर अरविंद, वहाँ पे मैं जाता था, और वहाँ पे मैंने प्रभु को जाना. और 3 महीने तक मैं कभी भी चर्च नहीं आया, विश्वास में आने के बाद भी चर्च नहीं आया, पर मैं खुदा से मोहब्बत बहुत करता था. लेकिन जब मैं चर्च में आया पहली बार, इसी चर्च में, बाय द वे, 2008 जनवरी का पहला संडे, या जनवरी महीना 2008, इसी चर्च में जब मैं पहली बार आया, तो एक चीज से मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ.
वो ये था कि इस चर्च में जब उस समय हिंदी नहीं था, उस समय इंग्लिश चर्च हुआ ही हुआ करता था, तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा छुई वो ये था कि इस चर्च में बहुत प्रेम का माहौल है, बहुत प्रेम और प्यार का वातावरण है। ये चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं खुल के अपनी सब बातें बताऊंगा तो भी सब मुझे प्यार करेंगे, सब मुझे समझेंगे, सब मुझे ग्रहण करेंगे, कोई मुझ पर दोष नहीं लगाएगा, कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, सब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, सब मेरी सहायता करने को तैयार हैं, सब लोग मुझे याद करते हैं। इस चर्च में जो प्रेम मुझे मिला, उस प्रेम से मुझे समझ में आया चर्च में प्रेम होता है, जो उस समय तक मैंने नहीं देखा था। इस चर्च के प्रेम के विषय में एक बात मैं आपको बताऊंगा जो मुझे मिला, वो ये है कि एक आंटी थी, उनका नाम था रोशनी आंटी, अब वो उड़ीसा चली गई हैं। और वो रोशनी आंटी, जब मैं चर्च में आया, जब मैंने चर्च को ज्वाइन किया, तो कम से कम चार पाँच साल तक रोशनी आंटी का एक नियम था। वो चर्च में आती थी, उनका नियम ये था कि मेरे जन्मदिन पर मुझे कॉल ज़रूर करती थी। वो केवल नॉर्मल चर्च की मेंबर है, उनका अपना बेटा है, उनकी अपने परिवार है, अपने मित्र हैं। मैं कौन हूँ, पंजाब से नया नया लड़का आया हूँ, चर्च में आना शुरू हो गया, लेकिन उस आंटी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे कभी भी नहीं भूला। तो वो प्यार का जो वातावरण था वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। दूसरी बात जिसने मेरा मन मोह लिया वो ये बात थी कि जब मैं इस चर्च में लगातार आने लगा तो कुछ ही हफ्तों के अंदर एक चीज़ मैंने नोट कर लिया। मैंने क्या नोट किया, कुछ ही हफ्तों के अंदर मैंने ये नोट कर लिया, ये चर्च यीशु मसीह के लिए पागल है, ये चर्च यीशु मसीह की महिमा के लिए क्रेजी है, ये चर्च यीशु का नाम फैलाने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। इस चर्च में जब भी आओ यही सुनने को मिलता है, यीशु को प्यार करो और यीशु का नाम फैलाओ, क्योंकि यीशु ने सारे जगत को प्यार किया है। और यह चर्च हर बार मुझे यही सिखाता था। जब मैंने यह देखा कि यह चर्च यीशु के बारे में इतना दीवाना है, तो मुझे लगा कि मुझे भी उस काम में जुट जाना है। तो दो चीजें इस चर्च के बारे में जिन दो चीजों ने मेरे मन को बदल दिया, और आई वुड से 80% तक मेरे जीवन की दिशा को तय कर दिया, वो यही था, इस कलीसिया में जो प्यार मुझे मिला और इस कलीसिया में जो दर्शन मुझे मिला, जो मकसद, सेवा का मकसद, सेवा की बुलाहट जो मुझे मिली, उससे मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। चर्च में, ध्यान से सुनना, चर्च में आप सब एक व्यक्ति या परिवार मिलके अकेला आता है, करेक्ट? आप अपने घर से निकलते हो, यहां तक आ जाते हो, आप चर्च में अकेले तो आते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप चर्च में अकेले रहने के लिए नहीं आते हैं। हालेलुया। मैं अकेला था इस जगह पे। 2007 में मैं कब आया था, 19 अगस्त को मैं आया था इधर, अपना बोरिया बिस्तर बांध के, अपना शहर छोड़ के यहां आ गया था नौकरी करने के लिए। और मेरे कोई मित्र, इनफैक्ट मेरे कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन उन रिश्तेदारों से मुझे वो प्यार नहीं मिला जो इस चर्च ने मुझे प्यार दिया। मुझे आज भी याद है कि मैं 2 हफ्ते से कम अपने जो रिश्तेदार लगते हैं दिल्ली में, उनके घर पे रहा था, और मुझे उनका धन्यवाद हो, प्रभु उनको आशीष दे, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि उस घर से जब मैं सुबह निकलता था तो सुबह नाश्ते में मुझे आधा कप चाय मिलती थी और थोड़ा सा नाश्ता मिलता था, और उस घर में सब लोग ड्यूटी पे जाते थे और सब लोगों का लंच का डब्बा बनता था, सिर्फ मेरा नहीं बनता था। और मेरा ऑफिस, पहला ऑफिस एक मॉल में था, और आप समझते हैं कि मॉल में जो चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, मैंने 15 दिन तक बहुत महंगा खाना खाया, क्योंकि मेरे को खाने का तो वैसे ही शौक है। तो मतलब मैं वो क्या बोल रहा हूँ कि जो प्यार मुझे अपने जो परिवार से नहीं मिला, जो मेरे घर के लोग, जो रिश्तेदार जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे जो प्यार मुझे नहीं मिला, वो प्यार मुझे इस कलीसिया में मिला। हालेलुया। जब आप कलीसिया में आते हैं, तो मैं अकेला आया, लेकिन जैसे ही मेरा संपर्क हुआ इस चर्च के लोगों के साथ, इस चर्च के लोगों ने एक प्रकार जैसे कि मुझे गोद ले लिया और मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी बड़ी केयर करते थे। अगर मैं चर्च ना आऊं तो मुझे फ़ोन आता था, या तो पास्टर मेरे घर, मेरे कमरे पे पहुंच जाते थे। इस प्रकार वो प्यार जो मुझे मिला, उस प्यार ने मुझे वो बनाया जो बहुत हद तक जो मैं आज हूं और जो मैं सेवा कर रहा हूं प्रभु की। तो जब आप अकेले इस चर्च में आते हैं, तो ध्यान रहे आपको अकेले रहने की ज़रूरत
नहीं है। हम यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपके जीवन के सफर में आपके साथ चलने के लिए हम यहाँ पे हैं। हालेलुया। सामने देखें, और ये नहीं कि हमारा चर्च कुछ आउट ऑफ द वे ऑफर कर रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर एक कलीसिया प्यार की कलीसिया होनी चाहिए। सामने देखें, एवरी पर्सन हु कम्स टू चर्च डज कम अलोन बट डज नॉट कम टू बी अलोन। प्रत्येक व्यक्ति या परिवार कलीसिया में अकेले आता है, लेकिन अकेले रहने के लिए नहीं आता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप अपने अपने अलग अलग जगह से, आप अपना घर परिवार छोड़ के आप यहां पे रहते हैं, यहां आपने अपना घर बसाया है, घर बनाया है, जो भी है, और उसके बाद आप अपने जीवन की कठिनाइयों में आप अपनी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन यदि आप इस कलीसिया के सदस्य हैं तो आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ है और हम आपके साथ हैं। हालेलुया। हम कभी भी अकेले रहने के लिए बनाए नहीं गए थे, उसी चीज को मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। मनुष्य अकेले रहने के लिए नहीं बनाया गया है। एवरी इंडिविजुअल कम्स टू चर्च टू एक्सप्रेस एंड नरिश हिज इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद गॉड बट ही डज सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कम्युनिटी इन विच ही ऑल्सो बिल्ड्स रिलेशनशिप्स विद इन द चर्च एंड स्ट्राइव्स टू नर्चर देम एज वेल। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कलीसिया में, चर्च में, सत्संग में परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को दर्शाने और उसको बढ़ाने के लिए आता है। आप यहां पे क्यों आते हो? कोई है यहां पर जो आज प्रभु को मिलने नहीं आया? कोई है ऐसा? आप यहां पे क्यों आए? मुख्य रूप से आप परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, उसके दर्शन को पाना चाहते हैं, उस अपने रिश्ते में प्रभु के साथ उसमें आप बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे आगे क्या लिखा है, परंतु वह ऐसा एक समूह या एक समुदाय, एक कम्युनिटी, एक समाज के संदर्भ में करता है, अकेले नहीं करता। अगर आपको चर्च में अकेले आके प्रार्थना करके जाना होता तो एक बात बताओ, आप सबके सब संडे 6 बजे क्यों आते हैं? अगर चर्च में आपका अकेले आना काफी होता और अकेले आओ, प्रार्थना करो और चले जाओ, तो आप संडे को शाम को 6 बजे ही क्यों आते हैं? आप सोमवार को भी 10 बजे आ सकते हैं, आपका जब मन किया तब आ सकते हैं। संडे को क्यों आना है? क्योंकि परमेश्वर स्वयं एक समाज, अभी हम देखेंगे, और वो चाहता है कि हम मिलकर एक होकर हमारे प्रभु की महिमा करें। हम अकेले व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन रही बात सत्संग की, रही बात सर्विस की, जब सब मिलके दुआ करते तो वो सबको एक साथ, एक समय पर, एक जगह पर इकट्ठे होना है। कि प्रत्येक व्यक्ति कलीसिया में परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को दर्शाने और बढ़ाने के लिए आता है, परंतु वह ऐसा एक समूह या एक समाज या एक समुदाय के संदर्भ में करता है जिसमें वो कलीसिया समूह में भी संबंध स्थापित करता है, लोगों के साथ रिश्ते नाते, दोस्तियां बनाता है, नए नए संबंध स्थापित करता है कलीसिया में, आपस में। आप लोग जब चर्च में आते हैं सिर्फ प्रभु से मिलने नहीं आते हैं, एक दूसरे से मिलने भी आते हैं, एक दूसरे की सेवा करने भी आते हैं, एक दूसरे को जानने भी आते हैं, और एक दूसरे के साथ गहरा मसीही सच्चा प्रेम और संबंध स्थापित करने के लिए आते हैं। और इसलिए जब आप चर्च में आते हैं तो केवल आप प्रभु के साथ अपने संबंध को स्थापित नहीं करते, अपने संबंध को प्रभु के साथ अपने संबंध को दर्शाते और बढ़ाते नहीं, लोगों के साथ भी अपने संबंध को दर्शाते हैं और बढ़ाते हैं, उसको आप नर्चर करते हैं, आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसको संभाल के रखते हैं, आप दूसरों की केयर करते हैं। इस चीज के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। वी वर क्रिएटेड टू बिलोंग इन अ कम्युनिटी, वी वर क्रिएटेड मतलब ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने हमें इस प्रकार बनाया है। वी वर क्रिएटेड लाइक दैट टू बिलोंग इन अ कम्युनिटी एंड टू हैव नर्चरिंग रिलेशनशिप्स विद इन इट। हम एक समुदाय के हिस्सा होने के लिए और उस समुदाय में मजबूत संबंधों के लिए हम रचे गए थे। परमेश्वर ने आपको बनाया ही इस बात के लिए है कि आप एक समुदाय का हिस्सा बन जाएं, परमेश्वर के समुदाय का, परमेश्वर के समाज का, और उस समुदाय में आप एक सामूहिक जीवन जिएं, मिल करके जीवन जिएं, अकेला जीवन नहीं, मिल करके जीवन जिएं। बहुत सारे उदाहरण हैं आज मेरे पास जो बाइबल में से, जो मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन मिल करके रहना इंसान को
ये गड़बड़ा कब गया? जब दुनिया में पाप आ गया. जब दुनिया में पाप आया उसके बाद मनुष्य क्या हो गया? सेल्फिश हो गया, स्वार्थी हो गया, अपना अपना करने लगा, अपना अपना सोचने लगा. लेकिन परमेश्वर ने इंसान को स्वार्थी नहीं बनाया था, पाप ने हमें ऐसा कर दिया है. लेकिन एक बात को आप ध्यान से नोट करना, पाप के बावजूद इंसान को दूसरों की आवश्यकता होती है. हमारे बच्चों का जन्मदिन हम मनाते हैं, हमारे बच्चों के जन्मदिन में क्या मम्मी डैडी और बच्चा एक साथ बर्थडे मना सकते हैं? मना तो सकते हैं, बट क्या हम करते हैं ऐसा? हमारे बच्चों के बर्थडे में हम क्या करते हैं? सारे बोले हमारे बच्चों के बर्थडे में हमें लोग चाहिए. नहीं नहीं, बच्चे की दादी को तो आना ही है, बच्चे के चाचा को भी आना है, दोस्तों को भी आना है, बच्चे के और दोस्तों को भी आना है, हमारे दोस्तों को भी आना है, क्योंकि हमारा दिल ऐसा है. ये मैं हिंदू मुसलमान सबकी बात कर रहा हूं, हमारी चर्च की बात नहीं कर रहा, ये इंसानियत की बात है. हम दूसरों के बिना रहना हमें हमारे लिए मुश्किल है. शादी, लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं आपस में, लेकिन अगर भागकर भी शादी करेंगे तो कम से कम एक पंडित चाहिए और एक गवाह चाहिए. हाँ कि ना? कोई ऐसा नहीं करना, ठीक है, हम करवा देंगे, आप भागना नहीं. बोलो प्रभु यीशु मसीह की. लेकिन हम क्या देखते हैं, अगर किसी को शादी भी करनी है तो उसमें हमें लोग चाहिए ना. लड़का लड़की से बहुत प्यार करता है, लड़की लड़के से बहुत प्यार करती है, दोनों प्रभु से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी जब शादी होगी तो कम से कम 30-40 लोग तो चाहिए ना प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम समाज के बिना नहीं रह सकते, समुदाय के बिना. वी वर क्रिएटेड फॉर बिलोंगिंग इन अ कम्युनिटी एंड शेयरिंग अवर लाइफ विद देम. हमारा जीवन बंट जाए दूसरों के साथ, जीवन बांटने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए. इसी प्रकार प्रभु ने हमें बनाया है. वी आर वायर्ड लाइक दैट, वी हैव बीन मेड लाइक दैट. इसलिए भले आज इंसान पापी है और स्वार्थी है, लेकिन लोगों की आवश्यकता है. और वही परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में, चर्च में, सत्संग में ये जरूरी है हमारे लिए कि हम संबंध स्थापित करें दूसरों के साथ, अच्छा संबंध बना के रखें, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को ही करने के लिए हमारी सृष्टि की है. प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, और प्रभु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो प्रभु ने उनको इस प्रकार सिखाया, हे हमारे पिता. नहीं कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, हे मेरे पिता. कैसे प्रार्थना करना सिखाया? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हमें हमारे रोज की रोटी आज दे, हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर. प्रभु ने कहा इस प्रकार प्रार्थना किया करो, नॉट मेरे अपराध. उस प्रकार भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक प्रार्थना प्रभु ने क्या सिखाई? हमारे अपराध. दानियल पुराने नियम में केवल अपने पापों की माफी नहीं मांग रहा, अपने पूरे देश, समुदाय, समाज के पापों की माफी मांग रहा है. नहमाया पुराने नियम में हम देखते हैं केवल अपने पापों की माफी नहीं मांगता, अपने पूरे देश, समाज, समुदाय, अपनी पूरी कौम, अपनी पूरी जाति के पापों की माफी मांगता है. हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर एक है, लेकिन उस एक परमेश्वर में कितनी शख्सियत वास करती है? तीन शख्सियत वास करती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. परमेश्वर स्वयं एक समाज है, गॉड हिमसेल्फ इज अ कम्युनिटी. तो जो परमेश्वर का, जिस प्रकार परमेश्वर एक समाज है, उस प्रकार परमेश्वर ने भी हमें एक समाज में रहने के लिए बुलाया है, एक अलग समाज, परमेश्वर का चुना हुआ, बनाया हुआ समाज. परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे अकेला नहीं छोड़ दिया. परमेश्वर ने आदम के लिए कौन दिया? और उनको भी सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं दिया था, बाय द वे, याद रहे. परमेश्वर ने नहीं बोला आदम ये रही तेरी बीवी, तुम दोनों प्यार से जियो, ठीक है, ऐसा नहीं बोला प्रभु ने. क्या बोला प्रभु ने? कि तुम दोनों फलो फूलो और पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ. उसका गहरा अर्थ क्या है मालूम? उसका गहरा अर्थ ये है, प्रभु ये बोल रहा है, आदम, हवा, तुम फलो फूलो और एक ऐसा समाज बनाओ जिसमें मेरी महिमा नजर आए, एक ऐसा समाज बनाओ जिसमें मेरे दिल जैसा प्यार नजर आए, तुम एक ऐसा समाज बनाओ जिसमें धार्मिकता नजर आए. परमेश्वर ने यह हुक्म दिया था आदम और हवा को, समाज बनाने के लिए कहा था.
प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह स्वयं एक समाज में रहा. क्या लिखा है? एनी मरकुस 3:13-14 में हम देखते हैं, एंड ही वेंट अप ऑन द माउंटेन, वो एक पहाड़ पे गया, एंड ही समंड दोज हुम ही हिमसेल्फ वांटेड, जिन लोगों की यीशु को आवश्यकता थी यीशु ने उनको बुला लिया, एंड दे केम टू हिम, वो आ गए, एंड देन ही अपॉइंटेड द 12, उसने उन 12 चेलों को नियुक्त कर दिया सो दैट दे वुड बी विथ हिम. हम सोचते हैं कि यीशु ने 12 चेलों को क्यों नियुक्त किया? प्रचार करने के लिए. प्रचार करने के लिए किया था नियुक्त, लेकिन प्रचार करने से पहले प्रभु ने उनको किस बात के लिए नियुक्त किया था? मेरे साथ रहो, मेरे साथ एक संबंध बनाओ, आओ हम एक साथ एक घर में रहें. और हम जानते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ एक साथ 3 साल तक रहा. और यीशु ने सामाजिक जीवन जिया है. यीशु अगर स्वर्ग से एक आवाज निकालता पूरी धरती घुटनों पे आ जाती? नहीं आ जाती. लेकिन यीशु फिर भी हमारे समाज में हमारे साथ रहने आया, शब्द देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया. यीशु स्वयं जो परमात्मा है, सच्चा खुदा है, वो स्वयं हमारे समाज का हिस्सा बनके, हमारे जैसा एक बनके हमारे साथ रहने आया. और प्यार, धार्मिकता, न्याय के साथ क्या वो नहीं रहा? उसने ऐसे लोगों को बचाया जिनको लोग पत्थरों से मार देते, जिनको दुनिया कहती इनको छोड़ दो. यीशु ने जाके उनको गले लगाया, कोड़ियों को उसने साफ किया. जिनको सब नफरत करते हैं, यीशु ने उनको अपने पीछे लगा लिया. और यीशु ने प्रेम के साथ इस समाज में अपना जीवन जिया. और एक नया समाज हम देखते हैं, यीशु ने अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा एक नया समाज प्रभु ने स्वयं बना लिया. और बाय द वे, जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की है तो यीशु मसीह उस समय कितनी उम्र के थे बताइए? सारे बहुतों को पता होगा, जब यीशु ने सेवा शुरू की कितनी उम्र के थे? वो 30 साल के थे जब उसने अपनी सेवा शुरू की है प्रभु ने. लेकिन उस समय तक वो अपने मम्मी पापा के घर पे रहते थे, जो उनके धरती के माता पिता थे उनके घर में रहते थे. क्या वो उनके घर से मिनिस्ट्री नहीं कर सकते थे? यीशु का पिता परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, यीशु की मां परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी. क्या उस घर में अगर यीशु सेवा करता तो क्या उसकी मां उसे मना करती? क्या उसकी मां उसे कहती तू अपने 12 हट्टे कट्टे नौजवानों को मेरे साथ मेरे घर पे ले आता है और मैं थक जाती हूं खाना बना बना के? क्या वो धार्मिक मां ऐसे कहती? लेकिन यीशु ने क्या किया? अपने परिवार से निकल गया, अपना नासरत नगर छोड़ दिया, अपने परिवार से निकल गया. और क्या हुआ? एक अलग शहर में जाके चेलों के साथ रहने लगा. और एक समुदाय में यीशु रहा और एक समुदाय में यीशु ने सेवा की. क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा परिवार सब कुछ है. क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट योर ओन फैमिली. हमें लगता है बस मेरा परिवार ठीक होना, बाकी सब जैसा भी है चलेगा. मेरा परिवार ठीक होना चाहिए. ऑफ कोर्स आपके परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं और आपको उन जिम्मेदारियों को निभाना है. लेकिन मसीही जीवन, आपका मसीही जीवन आपके परिवार से बाहर भी है. परमेश्वर ने आपको सिर्फ अपना घर चलाने के लिए नहीं चुना है. देर इज मोर टू क्रिश्चियन लाइफ देन जस्ट योर ओन फैमिली. मसीही जीवन केवल आपके परिवार चलता रहे, आपके बच्चों की फीस भरती जाए, आपके रसोई में राशन भरता जाए और आपके बच्चों पे कोई बीमारी ना आए और आपकी तनख्वाह बढ़ती जाए, दिस इज नॉट क्रिश्चियन लाइफ. दिस इज नॉर्मल सोशल लाइफ. ये तो नॉर्मल सामाजिक जीवन है. इसमें क्या मसीही हुआ? आप अपने कर्तव्य को निभाएं, अपनी पत्नी से प्रेम करें, अपने बच्चों को प्रभु का रास्ता दिखाएं. हाँ, वो सही बात है जो मसीही को करना है. लेकिन फिर भी आपका मसीही जीवन आपके घर से बाहर भी है. आपकी जिम्मेदारियां जो आपको कलीसिया में निभानी है, आपके मसीही समाज में, कलीसियाई समुदाय में ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनको, ऐसे संबंध हैं जो आपने स्थापित करने हैं अपने कलीसिया के अगुवे के साथ, अपने कलीसिया के बाकी अगुवों के साथ, अपने कलीसिया के सेवादारों के साथ, अपने साथ जो लोग आपके आसपास बैठे हैं. सब लोग जरा अपना सर घुमा के अच्छे से देखें आपके आसपास कौन बैठा है. एवरीबडी कम ऑन. इन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप होना चाहिए. आप सामने देख रहे हो ना, सामने प्रभु का चिन्ह है. प्रभु के साथ संबंध आपका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के प्रचार में वो चीज तो अंडरस्टूड है, प्रभु के साथ आपका संबंध सही होना चाहिए. लेकिन आज जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूं वो
आपके आसपास, दोबारा से देखें आपके आसपास कौन है, जल्दी से। इन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप होना जरूरी है। यू नो व्हाट, आप में से कईयों को चर्च के लोगों के नाम भी नहीं पता। यू डोंट नो, आप चर्च के लोगों का नाम तक नहीं जानते हो। वो पहली बार आया हो या वो 50वीं बार आ रहा हो, आपके लिए तो पहली बार ही, आपने कभी देखा भी नहीं उसकी तरफ। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, सत्संग में लोगों के साथ आपका संबंध होना जरूरी है। हाँ, आप 200 के 200 लोगों को नहीं जान सकते हो, लेकिन 20-30 कम से कम इतना तो आपका सर्कल होना चाहिए, और धीरे धीरे वो सर्कल बढ़ना चाहिए, ताकि आप कलीसिया के लोगों के साथ आपका संबंध, क्योंकि इसी के लिए प्रभु ने आपको बुलाया था। यीशु मसीह लोगों के साथ संबंध स्थापित करता था, जेन्युइन फ्रेंडशिप रखता था, ना केवल उनके साथ बिजनेस करता था, मतलब केवल उनके साथ सेवा नहीं करता था। मरकुस के पहले अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह 21 से लेके 28 अध्याय तक, वचन तक हम देखते हैं यीशु मसीह बहुत बिजी होकर के अपने चेलों के साथ सेवा कर रहा है, और पूरा दिन बिता लिया, शायद 2-3 दिन लगातार सेवा की होगी, पूरा समय बिता लिया। उसके बाद यीशु मसीह क्या लिखा है कि शिमोन पतरस के घर में चला गया। क्यों चला गया यीशु वहां पर? सेवा करने नहीं गया था, केवल अपने उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए गया था, केवल नॉर्मल जस्ट विजिट करने गया था उनके घर में। तो यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, एंड इमीडिएटली ही लेफ्ट द सिनेगॉग एंड एंटर्ड द होम ऑफ साइमन एंड एंड्रयू विद जेम्स एंड जॉन, जिनके साथ वो ऑलरेडी 3 दिन से है, उनके घर में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो उनके साथ केवल काम किया है, सेवा की है, लेकिन अब उनके साथ, उनके परिवार के साथ कुछ समय बिताना है, दैट्स ऑल। वो बात अलग है, जब वो वहां पे गए तो वहां पर भी लोग आ गए और यीशु ने वहां पर भी सेवा की, लेकिन यीशु का मकसद, उनके घर में जाने का मकसद प्योर फ्रेंडशिप था। शायद सिर्फ खाना खाने गए होंगे, सिर्फ चिल मारने गए होंगे, बातचीत करने गए होंगे यीशु मसीह। यीशु मसीह जेन्युइन फ्रेंडशिप्स रखने वाले व्यक्ति थे। हम सब जानते हैं मरियम, मार्था, लाजरस, ये तीनों बहन भाई के साथ यीशु का कितना गहरा संबंध था, दोस्त थे ये लोग। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके दोस्त हैं चर्च में? यीशु मसीह के भी दोस्त थे, यीशु के समुदाय में यीशु के भी दोस्त थे। डू यू हैव जेन्युइन फ्रेंड्स इन द चर्च? क्या आपके दोस्त हैं चर्च में, जो सचमुच में, जिनके साथ आप अपना जीवन ऑलमोस्ट शेयर कर रहे हो, रोज आपकी दिन में एक बार उनसे बात हो जाती है, उनका आपके घरों में आना जाना लगा रहता है? ये तस्वीर परमेश्वर देखना चाहता है, ये प्रभु को खुश करता है। कितने लोग हैं आपके कितने लोग हैं यहां पर जिनके 3 बच्चे हैं? आपके 3 बच्चे हैं? ओके, अगर बहन, अगर आपके 3 बच्चे आपस में प्यार से रहें तो आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है, और सिर्फ ठीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर ये माँ है, 3 बच्चे हैं, उनका आपस में प्यार होना भी जरूरी है। वो तीनों बच्चे अलग अलग, माँ के साथ अच्छा संबंध है लेकिन आपस में अच्छा संबंध नहीं है, तो माँ का दिल दुखता है। उसी प्रकार आप सब चर्च में आते हैं, आप सबका यीशु मसीह के साथ आपका अच्छा संबंध है, आप सब प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, सत्संग आते हो, लेकिन चर्च के लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है, आपका संबंध, आपकी दोस्ती, आपका उठना बैठना, उनके घरों में आना जाना, वो नहीं है, तो उससे परमेश्वर के दिल को, उसके दिल को दुख होता है। जैसे एक माँ चाहती है, पिता चाहता है, मेरे सब बच्चे आपस में प्यार से रहें, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर चाहता है सत्संग में आने वाले सब लोग आपस में प्यार से रहें, और हम लोग केयर भी नहीं करते। पता, मैं इसका एक रीज़न है, ये नहीं कि आप अंदर से बुरे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमने कभी देखा नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारे देश में हमने जो धार्मिक स्थल का परिभाषा जो हमारे मन में है वो ये है कि आप धार्मिक स्थल में जाओ और आप अपने चप्पल उतारो और आप अंदर जाओ और आप माथा टेको और आप अपनी प्रार्थना कामना करो और 5-7 मिनट में बाहर आ जाओ। हमने कभी देखा ही नहीं है कि धार्मिक स्थलों में ऐसा भी होता है कि लोग आपस में अच्छे मित्र बन जाते हैं और सारा जीवन मिलके एक साथ प्रभु की आराधना करते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं।
हमने देखा नहीं है, लेकिन कलीसिया वो जगह है जहां पर आप केवल चुपचाप चर्च के अंदर आते हो और आप अपनी प्रार्थना करते हो। 10 मिनट की तो यहां पे होती नहीं है, कम से कम 2 घंटे की होती है, तो आप 2 घंटा बैठे रहते हैं फिर आप चले जाते हैं। नो नो नो, वो एक हिस्सा है। आपके गहरे मित्र आपके चर्च के सदस्य होने चाहिए, आपके सुख दुख में साथ खड़े होने वाले ये चर्च के लोग होने चाहिए। यीशु मसीह ने संबंधों को बहुत प्राथमिकता दी, यहां तक कि यीशु जब मर रहे थे, मरते दम पे भी हम देखते हैं यीशु मसीह केवल क्रूस पे मरने का जो कार्य उनको दिया गया था, जो कुर्बानी उनको दी गई थी, जो करने के लिए दी गई थी, केवल उसको पूरा नहीं कर रहे थे। व्हाट वॉज जीसस डूइंग? जब क्रूस पे यीशु मर रहे हैं तो अपने मरते दम पे भी डाकू के साथ रिश्ता बना रहे हैं। सबको याद है वो कहानी या नहीं याद है? यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे हैं, अत्यंत पीड़ा और दुख में है। इस समय उनका दिल दुख से भरा है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि उनके स्वर्गीय पिता ने उनको छोड़ दिया है। उनके दिल में कोई हिम्मत नहीं है, पीड़ा। वचन में लिखा कि ऐसी कोई पीड़ा नहीं है जिसको वो जानता नहीं है। लिखा है पीड़ा के साथ, दर्द के साथ, दुखों के साथ उसकी अच्छी जान पहचान थी। उस अत्यंत दुख की घड़ी में यीशु क्या कर रहे हैं? एक मरते हुए डाकू को बचा रहे हैं। जब यीशु क्रूस पे मर रहे थे तो उनके शब्द क्या थे? हे मेरे ईश्वर, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब यीशु दुख में है तब तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम दुख में तो प्रभु को छोड़ दो, दुख में भी प्रभु को सेवा करने की क्या जरूरत है? यीशु के मन में जब दुख भरा हुआ है तब तो उसको हम छोड़ सकते हैं ना अकेले। लेकिन जब यीशु मसीह जब अत्यंत दुख में है, पीड़ा के साथ वो भरे हुए हैं, अकेलापन उनको लग रहा है, ऐसा लग रहा है उनके पिता ने उनको त्याग दिया, लेकिन उस घड़ी में भी वो एक मरते हुए डाकू के विश्वास की इज्जत कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम क्या करते हैं? सोचने की बात है। जब हमारी लाइफ में दुख आता है हमें लगता है कि हम अपने दुखों में कुछ नहीं कर सकते, हमें छोड़ दो अकेला और हमसे मत कहो चर्च आने के लिए और कोई सेवा करने के लिए। जब यीशु ने अपने दुखों में दूसरों की सेवा, पहली बात तो वो दुख उठा किसके लिए रहा था? आपके लिए, मेरे लिए। तो यीशु मसीह सचमुच में यीशु प्रेम है, सचमुच में यीशु का संदेश ही प्रेम है। यीशु ने सच्ची मित्रता निभाई है और उसने वही रास्ता आपको और मुझको दिखाया है। मैंने आपको प्रभु के बारे में बताया कि वो एक समाज है, वो स्वयं एक समुदाय है। मैंने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया, उसका जीवन कभी भी अलूफ अलग नहीं था, हटके कटके नहीं था। हमें से बहुत लोग हैं जिनको आदत है हम कटके रहना पसंद करते हैं, हम अलग अलग रहना पसंद करते हैं, हम अकेला रहना पसंद करते हैं। गॉड इज नॉट लाइक दैट एंड जीसस इज लाइफ वॉज नॉट लाइक दैट। यीशु का जीवन ऐसा नहीं था। यीशु ने अपना जीवन एक समुदाय में जिया, लोगों के साथ मिलजुल कर जिया, और उसी बुलाहट को प्रभु आपको और मुझको देता है। और ये ऐसी बात नहीं है कि केवल प्रभु कर सकता है। हम तो बहुत दुखों के मारे हैं, बहुत धोखा हमने खाया है, मुश्किल है प्यार करना लोगों को, कि ये प्रभु तो कर सकता है, बट हम तो इंसान है, हम नहीं कर सकते। लेकिन भाइयों बहनों, जब प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की, जब पवित्र आत्मा के आ जाने से जब कलीसिया का जन्म हो गया, when the church was born, हम कलीसिया में समुदाय का जीवन देखते हैं। हम कलीसिया में देखते हैं कि वो मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर जीवन जीते थे, मिलजुल कर सब कुछ करते थे। They were a people who were marked by togetherness and oneness and unity, एकता उनका निशान था, वो एक थे। प्रेरितों के काम उसके 2:42 में जो मैं पढ़ने के लिए विनती करूंगा, कोई पढ़े प्रेरितों के काम 42, व्हाट डू यू सी देयर? क्या लिखा है प्रेरितों के काम 42 में? हाँ जी, वो क्या कर रहे हैं? एक प्रेरितों के साथ क्या कर रहे हैं? कलीसिया के लोग, चर्च के लोग। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? सारे बोले, मैं किसकी बात कर रहा हूं? चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं, चर्च के लोग, कलीसिया के लोग, जो शुरुआती कलीसिया थी। जब चर्च नया नया शुरू हुआ, वे एक साथ क्या करने में लगे हुए थे?
प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने में लगे हुए थे, एक साथ वचन सीखते थे। प्रेरितों के काम 2:42 हम सीखते हैं, देवर लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड टुगेदर। वो एक साथ संगति करते थे, वो एक साथ फेलोशिप करते थे, वो एक साथ प्रभु भोज में भाग लेते थे। हम जानते हैं यीशु नाम सत्संग में हम महीने में एक बार प्रभु भोज करते हैं ना, कब करते हैं? महीने का पहला संडे। समझी, एक सोचने की बात है, हम सब जानते हैं कि हम एक कलीसिया, एक समूह, एक प्रभु की देह, एक होके हम महीने में एक बार प्रभु की मेज में हिस्सा लेते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, आज मुझे चर्च जाना ही जाना है ज़रूर, क्योंकि आज प्रभु भोज होगा। नॉट बिकॉज मुझे प्रभु भोज मिल जाएगा, लेकिन मैं कलीसिया के साथ एक हूँ तो मुझे एक ही मेज़ में एक साथ उसमें हिस्सा लेना है, क्योंकि मैं कलीसिया का अलग अंग नहीं हूँ, मैं कलीसिया का जुड़ा हुआ अंग हूँ। क्या आपकी सोच है ऐसी? कलीसिया, शुरुआती कलीसिया वैसी थी, they were like that। हाँ, और ये हम वचन में सीखते हैं, प्रेरितों के काम 2:42, एक साथ वचन सीखते थे, एक साथ संगति करते थे, एक साथ प्रभु भोज में भाग लेते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे, एक साथ, जोर से बोलें, प्रार्थना करते थे। हम में से कितने लोग हैं जो कलीसियाई रूप से प्रार्थना करने को लेके सीरियस हैं? मुझे आज तक सत्संग में किसी ने आके नहीं कहा कि क्यों ना हम एक दिन सिर्फ प्रार्थना के लिए रखें। मुझे आज तक सत्संग में से आके किसी ने यह नहीं कहा कि पास्टर जी क्यों ना हम 2 घंटे प्रार्थना करें इकट्ठे होके सब लोग। हमें आप लोगों को खींचना पड़ता है, बुधवार को प्रार्थना होती है, आप आए आए बुधवार को, कलीसिया एक साथ मिलके प्रार्थना करती है। इट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मेनी ऑफ अस, इवन दोज हु कैन कम, जो आ सकते हैं उनके लिए भी ये प्रायोरिटी नहीं है कि हम बुधवार की प्रार्थना में हिस्सा लें। बट शुरुआती कलीसिया ऐसी थी, वचन सीखते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे, प्रभु भोज में मिलके एक साथ हर्षित होके, खुश होके, भक्ति के साथ प्रभु भोज में हिस्सा लेते थे, एक साथ संगति करते थे, समय बिताते थे एक साथ। खत्म नहीं हुआ है, 2:44 में हम देखते हैं, इनफैक्ट 44 के पहले 43 में हम देखते हैं लिखा है कि प्रेरितों के काम 2:43 में क्या लिखा हुआ है, वो जब एक साथ होते थे उनके बीच में चमत्कार होते थे। They used to have miracles in their midst. Together they used to witness miracles. एक साथ मिलकर के परमेश्वर के अद्भुत कामों को वो देखते थे। आपके अंदर कामना है परमेश्वर के चमत्कारों को देखने की जब आप सत्संग में शाम को इकट्ठे होते हैं? Do you have that कामना? Do you have, आपके अंदर है वो इच्छा? परमेश्वर आज सत्संग है, परमेश्वर आज शाम को मैं चर्च जाऊंगा, परमेश्वर वहां पे कम से कम 150 लोग और आए होंगे, परमेश्वर जब हम सत्संग करेंगे तू चमत्कार करना। इज दैट अ लॉन्गिंग इन आर, हमारे दिलों में क्या वो एक कामना है, वो उमंग है हमारे अंदर परमेश्वर के चमत्कारों को देखने की? कुछ लोग तो सैडली, दुख होता है, ये विश्वास करते हैं कि अब चमत्कार नहीं होते। वो ये मानते हैं दैट देयर यूज्ड टू बी मिरेकल्स इन दोज टाइम्स बट नॉट एनी मोर, पहले चमत्कार होते थे अब नहीं होते, दुख होता है। लिखा है दे यूज टू बी फिल्ड विथ ऑ व्हेन द मिरेकल्स यूज टू टेक प्लेस, एक्ट्स 2:43, प्रेरितों के काम 2:43 में लिखा है कि उनके अंदर बड़ा भय प्रभु का छा जाता था जब उनके अंदर चमत्कार होते थे। जो लोग विश्वास करते हैं चमत्कार होते नहीं, एक सर्टन ऑ है प्रभु का, एक सर्टन डर है प्रभु का, भय, एक महिमा है प्रभु की, जिससे ये लोग वंचित रह रहे हैं जो विश्वास नहीं करते। आई होप आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ये विश्वास करता है कि नहीं, चमत्कार नहीं करता प्रभु, प्रभु चमत्कार करता है। समय नहीं है, लेकिन एक चमत्कार आपको बताऊंगा जो कल रात को हुआ। साइबर सिटी यू ब्लॉक में एक लड़की है जो रात को 10 बजे अपनी कैब बुक कर रही थी, आईफोन फोन 60-70 हज़ार का महंगा फोन उसके हाथ में था, और उसने कैब बुक करी और एक लड़का आया और उसका फोन छीन के ले गया। इस लड़की को हम काफी लंबे समय से समझा रहे हैं कि बेटा प्रभु के साथ अपना रिश्ता स्थापित करो, प्रभु के साथ निकट आ जाओ, प्रभु के, दुनियादारी के पीछे मत भागो, प्रभु के रास्ते को अपनाओ और प्रभु के साथ अपना रिश्ता गहरा करो। कल रात को जब उसका फोन चोरी हो गया, शायद उसने बहुत समय से प्रार्थना नहीं की होगी, लेकिन कल रात को
उस बहन ने प्रार्थना की जब उसका फोन चोरी हो गया। मुझे कोई और केस नहीं पता जब किसी ने फोन चोरी किया हो और बिना पुलिस की मदद और सहायता के 2 घंटे के अंदर अंदर चोर वापस आके फोन देके जाए। ये चमत्कार नहीं है तो क्या हुआ? 10 बजे फोन चोरी हुआ, लेकिन रात को 1 बजे उसका फोन चोर आया और फोन वापस देके चला गया। हालेलुया! इज दिस नॉट अ मिरेकल? बट टेल मी वन, एक बात है, क्या ये फोन की बात हो रही है? नहीं, ये परमेश्वर की महिमा की बात हो रही है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, चमत्कार होते हैं। मत सोचो कि आपकी समस्या परमेश्वर की शक्ति से परे है, नहीं कर सकता परमेश्वर, वो कर सकता है। आप मांगने वाले बनो और आप विश्वास करने वाले बनो और आप विश्वास की आंखों से आप चमत्कारों को देख सकते हैं। परमेश्वर करता है चमत्कार। मिल करके वो लोग चमत्कार देखते थे। 244 में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2:44, उनकी बहुत सी चीजें सांझे की थी, दे हैड थिंग्स इन कॉमन, एक साथ सब चीजों को वो मिल बांट के रहते थे। 45 में हम देखते हैं वो एक दूसरे के लिए कुर्बानी करते थे। कैसी कुर्बानी? वचन में लिखा हुआ है कि वो अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद को बेच देते थे ताकि चर्च में किसी की कोई मोहताज ना हो किसी चीजों को लेकर के। ऐसा प्यार, ऐसा जुनून, एक दूसरे का ध्यान हमें रखना है। नाथूपुर में 3 दिन से लाइट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है आज रात लाइट आएगी कि नहीं आएगी। हम में से कितने हैं जो इन लोगों को अपने घर पे आज की रात अच्छी नींद देने को तैयार है? स्मॉल थिंग, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा। जो लोग नाथूपुर में नहीं रहते, ऐसा दिल, ये उदाहरण की, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि हम लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, या सिर्फ हम अपना ही पेट भरने में, अपना ही घर चलाने में, अपनी ही, अपने लिए ही जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु के लोग, उनकी एकता, उनका प्रेम ऐसा था, एक साथ ये सारे काम करते थे, लेकिन एक साथ उनकी चीजें, ये उनका चर्च लाइफ है, लेकिन ये उनकी नाथूपुर लाइफ है, ये उनकी आउटसाइड लाइफ है, चर्च के बाहर की लाइफ है उनकी, कि वो चीजें सांझे। एक आइडिया मेरे मन में अब शाम को अभी आ रहा था कि जैसे ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी का सिलेंडर खत्म हो गया तो वो 3-4 दिन तक भी हमारे घर में आके खाना पका सकता है। और आप सोचें कौन कौन सी चीजें आपके घर में जो आप सांझी कर सकते हो दूसरों के साथ, बांट सकते हो जो चीजें आप दूसरों के साथ, किस प्रकार आप किसी और की मदद कर सकते हैं। इस प्रकार ले, लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, हाउ यू कैन हेल्प अदर पीपल, ढूंढो अवसर को, ढूंढो किस प्रकार मैं किसी और के लिए कुछ कर सकता हूं। और जब दूसरों के लिए आप जिएंगे तो परमेश्वर आपके अंदर एक ऐसी शांति को भरेगा जो चीजें आपके अंदर नहीं भर सकती हैं। वचन भरा हुआ है, आगे क्या लिखा है 46 में, फिर दोबारा से चर्च लाइफ, वो एक साथ चर्च जाते थे, लिखा है वो एक साथ मंदिर जाया करते थे, एक साथ परमेश्वर के भवन में जाते थे, वो एक साथ खुश रहते थे। दे यूज टू, इट सेज दे विद ग्लैड, विद ग्लैडनेस, इट मींस उनके, दे यूज टू हैव हैप्पी मोमेंट्स, वो खुशी के पल एक साथ बिताते थे। ये मसीही एकता का जीवन है भाइयों बहनों, और हमें इसके अनुसार अपना जीवन जीना है। वो एक साथ आराधना करते थे, उनके आपस में अच्छे संबंध थे उन लोगों के। और हमारे लिए जब वो इतना कुछ करते थे, ये सारी बातें, वो एक साथ वचन सीखते हैं, एक साथ संगति करते हैं, एक साथ प्रभु भोज में भाग लेते हैं, मिल करके प्रार्थना करते हैं, बहुत सी चीजें हैं उनकी जो वो शेयर करते हैं, उनकी सांझे की हैं, बहुत सी चीजों दूसरों के लिए वो कुर्बानी कर देते थे, चर्च एक साथ मिलके जाते थे, खुश रहते थे, आनंदित रहते थे, दे यूज टू हैव हैप्पी टाइम्स टुगेदर, एक साथ आराधना करते थे, एक साथ उनके आपस में मिलके अच्छे संबंध थे, दे वर मार्क्ड बाय गुड एंड सॉलिड एंड डीप रिलेशनशिप्स, उनके आपस में अच्छे संबंध हुआ करते थे। इन सब का नतीजा क्या हुआ? ये सब हम वचन में से देख रहे हैं, प्रेरितों के काम 2:42 से लेके हमने 46-47 तक देखा है, लेकिन 47 के आखिरी भाग में हम एक चीज को देखते हैं, इन सब का नतीजा क्या निकला। आप सब अपनी बाइबल में देखें, प्रेरितों के काम 2:47, सब मिलके पढ़ें। वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते जाते
प्रतिदिन प्रभु उनकी कलीसिया में नए नए लोगों को जोड़ रहा है. इसका क्या नतीजा निकला? What was the result of their unity? The result of their unity was that they witnessed church growth. उन्होंने अपनी कलीसिया को बढ़ते हुए देखा. यहां पे कितने लोग हैं? And be honest, कितने लोग हैं यहां पर जो अपने सत्संग को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? The Bible is teaching us it will not happen without unity and without love and without having genuine relationships in the church. हमें बाइबल आज ये सिखा रही है, अगर आप कलीसिया की, चर्च की, सत्संग की अगर आप उन्नति देखना चाहते हो तो ये बिना प्रेम के, बिना एकता के, बिना इस चर्च में जब तक अच्छे संबंध लोगों के आपस में नहीं होंगे तब तक ये कलीसिया उन्नति नहीं करेगी. हमें लगता है केवल हम बहुत सारा उपवास रखेंगे, खाना खाना छोड़ देंगे और हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और हम खूब सारा प्रचार करेंगे, अच्छे से बाइबल को सीख लेंगे, बाइबल के वचनों को रट लेंगे, हमारी कलीसिया बढ़ जाएगी. यहां पर वचन को सीखना एक हिस्सा है केवल, वो तो शुरुआत है केवल. दे वर डिवोटेड टू द अपोसल्स टीचिंग. जो शिक्षक थे उनके, उनसे सीखने के लिए वो कमिटेड थे. मुझे वचन सीखना है. लेकिन वो और भी बहुत कुछ करते थे. मेरे पीछे बोले, वो संगति करते थे. सब जोर से बोले, वो संगति करते थे. वो प्रभु भोज में भाग लेते थे. वो प्रार्थना करते थे. वो अपनी चीजों को बांटते थे. वो एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते थे. वो एक साथ चर्च जाते थे. वो एक साथ खुशियों के पल बिताते थे. एक साथ आराधना करते थे. आपस में अच्छे संबंध थे. तब जाके नतीजा निकला. कौन सा? उन्होंने अपनी कलीसिया को बढ़ते हुए देखा. नॉट ओनली विद टंग्स, अन्य भाषा के साथ ही मात्र नहीं होगा. या आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओ बाइबल के, उससे नहीं होगा. ये मेरे लिए भी है. अगर पास्टर जॉय अगर बाइबल का बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा लेकिन अगर अपनी कलीसिया के लोगों से प्रेम नहीं करेगा, पास्टर जॉय की कलीसिया नहीं बढ़ेगी, भले घट जाए. सच में. इसलिए आपको मेरे लिए भी प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे पास्टर को, जॉय भैया को आप प्यार करने वाला पास्टर बनाओ. आपको प्रार्थना करनी मेरे लिए. आपको प्रार्थना करनी है स्वप्निल भैया के लिए. वो हमारी कलीसिया के अगुवे हैं, एल्डर हैं मेरे साथ. आपको उनके लिए दुआ, कितने लोग करते हैं दुआ मेरे लिए, उनके लिए? क्या आप करते हो? आपको पता है कि आपको ये करना है? यू मस्ट प्रे फॉर योर लीडर्स. आपको अपने अगुवों के लिए दुआ करनी है. लीडरशिप टीम के लोग हैं उनके लिए दुआ करनी है. प्रभु मेरी कलीसिया प्रेम की कलीसिया होने पाए, एकता की कलीसिया होने पाए, आपस में माफी और दया करुणा की कलीसिया होने पाए. प्रे फॉर दीज थिंग्स. जब आप इन चीजों को करेंगे, अपनी आंखों से आप जब प्रभु के अनुग्रह के काम को देखेंगे, प्रभु के चमत्कारों के काम को देखेंगे, कितनी बड़ी गवाही के आप हिस्सा बन जाएंगे. दुनिया है जो स्वार्थ में पड़ी हुई है. अगर हम भी स्वार्थी हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है. उनके पास तो फिर भी अनंत काल का दृष्टिकोण नहीं है, हमारे पास है. दुनिया नहीं जानती है यीशु कौन है और हमारे पापों के लिए मरा है और जीवित हुआ है और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है. हम तो जानते हैं. दुनिया को लगता कि धन दौलत उनके लिए सब कुछ है. हम तो जानते हैं अच्छे से, धन दौलत हम यहीं छोड़ जाएंगे. दुनिया को नहीं पता कि हमारा एक आसमानी रूहानी मकान है जहां पे हमें हमेशा के लिए रहना है. हम तो जानते हैं. दुनिया तो नहीं जानती है ना कि यीशु मसीह के जीवन कैसा था. आप और मैं तो जानते हैं यीशु का जीवन कैसा था. इसलिए कलीसिया में आपसी संबंध होना बहुत जरूरी है. Having nurturing relationships in the local church is a New Testament imperative. आपस में अच्छे संबंध होना ये बाइबल की नए नियम की शिक्षा है. वचन भी हमें इस बात को सिखाता है इब्रानियों 10 में कि आओ हम एक दूसरे को हिम्मत दें, हौसला दें, प्रेम करने के लिए, भले काम करने के लिए एक दूसरे को हम हौसला दें और हम चर्च आना ना छोड़ें, लिखा हुआ है. बहुतों की आदत है चर्च नहीं आते हैं
लेकिन हम चर्च आना कभी ना छोड़ें और एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, जैसे कि हम प्रभु के दिन को आता हुआ देखते हैं। प्रभु का दिन क्या है? जब वापस आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ना अपने अपनी सोच को, एनीवे तो हमने जो पहली चीज सीखी वो यही है, वी आर क्रिएटेड टू बिलोंग इन अ कम्युनिटी एंड हैव नर्चरिंग रिलेशनशिप्स इन इट। हम सृजे गए हैं, हम बनाए गए हैं एक समुदाय का हिस्सा होने के लिए, और उस समुदाय में हमारे आपस में अच्छे संबंध होने के लिए हम बनाए गए हैं। और अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम एक समुदाय का हिस्सा हैं, वो हमें एक जिम्मेदारी लेके आता है। वो हमारे जीवन में क्या लेके आता है? जिम्मेदारी। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को केवल हॉलिडे विद गॉड के लिए नहीं बुलाया कि आप मेरे साथ रहो, बस ऐश करेंगे, नहीं, उनको जिम्मेदारियां दी, और इसके बारे में अगले हफ्ते हम सीखेंगे।